हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब कभी भी आप किसी भी नए अपडेट को इंस्टॉल करते हो अपने डिवाइस में, तो उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स आपको ज़रूर परफॉर्म कर लेनी चाहिए, ताकि आपका जो डिवाइस है वो बिना किसी प्रॉब्लम के वर्क करता रहे, ना ही आपको उसके कोई भी क्रैशिंग इशू देखने को मिले और ना ही आपको कोई सिग्नल्स या कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी इशू फेस करना पड़े। इसीलिए ये जो ट्रिक्स हैं आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। अगर आपने 17.3.1 के नए स्टेबल अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है अपने किसी भी आईफोन के ऊपर, सो बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रखी हैं अपने डिवाइस में, आपको उन्हें अप टू डेट रखना है। तो अपडेट करने के लिए सिंपली आपको लॉन्ग प्रेस करना है ऐप स्टोर के ऊपर और अपडेट्स के सेक्शन के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो कि अपडेट मांग रही हैं। तो आपको इन सभी एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखना है, ताकि आपको कोई भी क्रैशिंग और एप्लीकेशन जो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है काम करना, अपडेट करना है जरूरी इन एप्लीकेशंस को, वरना आपको क्रैशिंग इश्यूज देखने को मिल सकते हैं अपने इस नए अपडेट के ऊपर जो कि आपने करंटली इंस्टॉल कर रखा है अपने डिवाइस के ऊपर। इसीलिए आपको उन सभी एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखना है। सेकंड नंबर के ऊपर आपको सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। तो आपको यहाँ पर टैप करना है, मेक श्योर रखें कि आपकी जो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन है वो ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाना है, लोकेशन सर्विसेज के ऊपर टैप करो और स्वाइप अप करो, और सिस्टम सर्विसेज के ऊपर टैप करके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिग्निफिकेंट लोकेशन। तो मेक श्योर रखें कि आपकी जो सिग्निफिकेंट लोकेशन है वो ऑन होनी चाहिए। अगर आपने इस ऑप्शन को ऑफ कर रखा है या बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ हो रखी है, तो आपको इसे ज़रूर ऑन कर देना है, तभी आपके जो आईफोन में ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से काम करेगी। इसलिए आपको इन यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर अगर आपने इस नए अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है, तो अगर आपके आईफोन में कोई भी करियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको आपका डिवाइस मांग रहा है, तो ज़रूर आपको उन करियर सेटिंग्स को भी ज़रूर अप टू डेट रखना है। उसके लिए आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट्स के ऊपर टैप करना है, और मेक श्योर रखें कि ये तीनों के तीनों ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ से ऑन होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर एप्पल सिक्योरिटी रिस्पॉन्स जो है वो आपके लिए प्रोवाइड करता है, छोटा सा अपडेट होता है सिक्योरिटी रिस्पॉन्स का 20-30 MB का, तो वो आपको ज़रूर यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना चाहिए जो भी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज के अपडेट एप्पल प्रोवाइड करता है आप सभी को। इसीलिए यहाँ पर इन तीनों ऑप्शंस को ज़रूर ऑन करके रखें अपने डिवाइस में। तो इसके साथ आप अपने आईफोन को काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स को फिर से ओपन करना है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं अपने आईफोन में जो कि आपके आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए आपको उन सभी को भी ऑन करके रखना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन डिस्टेंस का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसको आपने ज़रूर ऑन कर लेना है, क्योंकि ये जो फीचर है आपकी फेस आईडी को यूज़ करके ये पता लगाता है कि आप अपने डिवाइस को कितनी नज़दीकी और कितनी दूरी से वॉच कर रहे हो। तो आपको कुछ इस तरीके का ये पॉपअप शो करता है अगर आप काफ़ी नज़दीकी से अपने डिवाइस को यूज़ कर रहे हो, के आईफोन में भी टू क्लोज। अगर आप अपने डिवाइस को अपनी आर्म की लेंथ के बराबर यूज़ करोगे, तो आपको स्क्रीन डिस्टेंस रिकमेंडेड का ऑप्शन शो कर देगा, और आप इजीली इसे कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप करके बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर पाओगे। तो इस ये जो फीचर है आपकी आइस को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, इसीलिए ये फीचर आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद बात आ जाती है अपने नेटवर्क्स के रिलेटेड, तो यहाँ पर जो वाईफाई के कई आईफोन्स में दिक्कत आती है कि वाईफाई ऑटो कनेक्ट होता है, डिसकनेक्ट होने लगता है बार बार, तो वो आप इश्यूज़ को कैसे फिक्स कर सकते हो जब भी कोई नया अपडेट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको जनरल पे जाना है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन। आपको इस ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और रीसेट बटन के ऊपर टैप करके रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स के ऊपर टैप करना है, और फिर आपको जो पुअर कनेक्शन इशू होता है वाईफाई का वो बिल्कुल भी फेस नहीं होगा। इसलिए आपको अपने नेटवर्क्स की सेटिंग्स को रीसेट करना है अगर आपको कोई भी वाईफाई से रिलेटेड दिक्कत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए किसी भी लेटेस्ट अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद अपने डिवाइस के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने डिवाइसेस में इन ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करके अपने डिवाइस को ब्लैक स्वीप बना सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।